अंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते स्वयं। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आद्य शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे।